guys, welcome to my YouTube channel. Hope all are doing well and staying safe. So guys, finally happy करवा चौथ आप सबको, उन सब ladies को जिनका first करवा चौथ है, जिसकी counting मैं आती हूँ, मतलब जिनकी countings में मैं आती हूँ. Today is my first करवा चौथ. और भाई मतलब वैसे तो सभी लेडीज को हैप्पी करवा चौथ, लेकिन स्पेशली उनके लिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि जिनका फर्स्ट करवा चौथ है, जैसे कि मैं, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. और रात के टाइम हो रहा है 1:12 और सर्किल वर्गी का तो कुछ है नहीं प्लान, क्योंकि मैंने अभी 12 बजे ही खाना, 12 बजने से पहले खाना खाया. जस्ट 59 तक मैं खाना ही खा रही थी, 11:59 तक मैं खाना खा रही थी, बिकॉज मैं लेट हो गई थी क्योंकि किसी रीजन की वजह से क्या, कि मैं बाहर गई हुई थी रूबी दीदी के पास, क्योंकि मैं अपने नेल्स करा ली थी. और ये देखो मेरे नेल्स, कमेंट करके बताना कि आपको मेरे नेल्स कैसे लगे. हिमांशु नहीं आ पाई किसी रीजन की वजह से, टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे धोखा दिया थी, दे दिया, बट उनका भी कोई रीजन हो सकता है. पर्सनली उनकी तबीयत वैसे भी खराब थी, मैंने देखा था, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि भाई किसी का पर्सनल रीजन हो सकता है, तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगी. तो वो नहीं आ पाए मेरे पास, मतलब मेन बात ये कि वो मेरे पास नहीं आ पाए, तो मुझे रूबी दीदी के पास मुझे जाना पड़ा. मैं रूबी दीदी के पास गई, फिर मुझे रूबी दीदी ने मुझे इतने प्यारे सुंदर से नेल्स करके दिए, आप देख सकते हो. कमेंट करके बताना, आप मैंने स्टोरी भी लगाई है, रील भी डाली है, और तो कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरे नेल्स कैसे लगे. बहुत पिटी करे वैसे दीदी ने, लव यू सो मच रूबी दीदी. यही करती कि वो मेरे लिए लेट लेट तक बैठी रहती है, और दीदी के हस्बैंड भी, सर भी, मतलब बैठे रहते हैं लेट तक मेरे लिए, उनका पूरा स्टाफ चला जाता है. आज भी वही सेम हुआ था, और प्यारे से उन्होंने ही मेरे नेल्स किए, ये नेल्स मुझे उन्होंने ही करके दिए हैं, उनका पूरा स्टाफ चला गया था और वो मेरे नेल्स कर दी थी. मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लव यू सो मच रूबी दीदी. और तो गाइस जैसे कि करवा चौथ स्टार्ट हो चुका है, 1:15 हो रहा है, और मैंने तो अभी खाना खाया जस्ट, और सर्गी वर्गी का कोई प्रोग्राम है नहीं क्योंकि मैंने मना कर दिया. मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो अगर मैं मीठा खाऊंगी तो फिर मुझे प्यास लगेगी, तो इस वजह से मैं आप सोने जा रही हूँ, सोती रहूंगी, इतना ज्यादा अच्छा है, जितना सोऊंगी मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, कि फिर मैं भूले रहूंगी कि हाँ मेरा कोई फास्ट है, और मेरी मेहंदी का रंग भी अच्छा है, आप देख सकते हो. तो मैं अभी जा रही हूँ सोने, सोऊंगी, सुबह उठ के देखेंगे, और सुबह उठ के जैसे जल्दी उठूंगी, नहा धो के तैयार हो जाऊंगी, फिर मैं अपना करवा वरवे भरूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी. अभी मैं सो जाती हूँ, फिलहाल के लिए आप सबको भी गुड नाइट, और ध्यान रखना, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट करवा है ना, मैं कभी नॉर्मल फास्ट भी नहीं रखती पहले, मतलब ना मैं कभी ये रखती हूँ, क्या नहीं तेरे कौन सा नवरात्रे, ना नवरात्रे इसी टाइम रखे थे मैंने, वो भी फर्स्ट टाइम रखे थे, अपनी इच्छा से रखे थे इस टाइम, इस बार तो मैंने अपनी इच्छा से रखे थे. वैसे मैं रखती नहीं, मुझसे भूखा नहीं आ जाता. तो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपसे. गुड आफ्टरनून, और मैं उठ तो मैं बहुत टाइम की रखती हूँ, और करवे वरवे भी भर लिए हैं मैंने, और मैं नहा धो के रेडी भी हो गई हूँ, और मैंने ये वाला सूट पहना है. आज मैं आपको कैसे दिखाऊँ, नितेश नीचे होते तो दिखाते. अभी मैंने ये वाला सूट पहना है, फिर मैं शाम को कथा के टाइम दूसरे वाला सूट पहनूंगी, और फिर रात को तो मैं लहंगा पहनूंगी. तो आप वेट करते रहो मेरे डिफरेंट डिफरेंट लुक का. और अभी ये वाले सूट जो है, जो मैंने बताया था, पापा लेकर आए थे. गाइस सबसे पहले कमेंट करके बताना कि मैं लग कैसी रही हूँ. मैंने अभी तो ये मेकअप खुद किया है, और ये वाला मेकअप मेरा चल जाएगा कथा तक, शाम तक. लास्ट वाला जो होगा वो तो डिफरेंट ही होगा, उसमें तो मेरी पूरी लुक चेंज हो जाएगी. और एक चीज़ और, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी करवा चौथ फिर से आप सबको ब्यूटीफुल लेडीज, जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखा, ऑलमोस्ट सब रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मा नहीं रखती हैं, मतलब मेरी मम्मा रखती थी, 2-3 साल से उनका छूट गया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो उन्होंने एक फास्ट छोड़ दिया था, तो फिर कहते कि बीच में छोड़ दिया तो फिर छोड़ देते हैं, वापस से नहीं रखते, तो इसलिए मेरी मम्मा नहीं रखती है 2-3 साल से, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था. तो इसलिए कह रही हूँ ब्यूटीफुल लेडीज को हैप्पी करवा चौथ. और भाई मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ है, तो आप कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अपना फुल लुक कैसे दिखाऊँ आपको. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और दो बजने वाले हैं शायद, 1:45 हो रहे हैं, और दो बजने वाले हैं, 4 बजे तक मैं अपनी कथा कर लूँगी, मैं और मम्मी, मम्मी भी बस नहा रही हैं, और 4 बजे तक मैं अपनी कथा कर लूँगी. मैं सो गई थी गाइस रात को मैं उठी रहती तो मुझे भूख लगती, और अगर मैंने मम्मा को स्पेशली मना कर दिया था सर्दी वर्गी के लिए, कि यार मुझे पता क्या होता है, और फिर मुझे साथ साथ पानी चाहिए होता है, चाहे मैं स्पाइसी खाऊँ चाहे मैं मीठा खाऊँ, तो मुझे साथ साथ पानी चाहिए होता है. और अगर मैं कुछ भी अगर खाती रात को, मैं सर्दी खाती तो फिर भाई मुझसे नहीं रुका जाता, या तो ऑब्वियसली मीठी होती है, बट फिर भी मीठे पे भी ना, जब तक पानी अंदर ना चला जाए ना, नहीं होता यार.
तो इस वजह से मैं सो ही गई थी कि मुझे लगता है कि मेरा सोना बेटर है, जितना मैं सोंगी उतना मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन अब तो मेकअप वेकअप में तैयार व्यार होने में कहाँ पता चलेगा कि मैंने फास्ट रखा है। ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, 2 बज गए हैं और रात भी हो जाएगी। मेरा फर्स्ट करवा चौथ है गाइस। मैं सुबह उठी, ब्रश करनी थी, तो मैंने मम्मा को कॉल किया पहले, अपनी मम्मा को, कि मैंने कहा मम्मी ब्रश कर सकती हूँ? मम्मी का कर सकती है, बट न्यू ब्रश लियो, अगर मतलब वो पुरानी वाली यूज मत करियो जो तू डेली यूज करती है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने हाथ से ही कर ली थी। मैंने कहा चलो अब नई ब्रश कहाँ से लाऊंगी, तो मैंने हाथ से कर ली थी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलो आगे दिखाती हूँ आपको। ओके गाइज, नितेश तो है नहीं, मतलब जो अच्छे से दिखाते, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ मिरर में। अभी मैंने ये पहना है, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वाला सूट कैसा लगा। और ये मेरे पापा लेकर आए थे, और जो यहाँ से नितेश ने मुझे दिलाया है, मतलब मम्मी ने मुझे जो दिलाया है, वो मैं पहनूंगी कथा के टाइम, और वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। रात को तो मैं लहंगा पहनूंगी, उसमें तो आप देख ही लोगे। तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला सूट कैसा लगा। हर एक चीज़ कमेंट करके बताना, जो जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि कमेंट करके बताना, तो मुझे उसके कमेंट्स दिया करो गाइस, मुझे उसके कमेंट करके बताया करो, ठीक है? तो अभी के लिए मैंने ये पहना है, शाम को मैं दूसरा पहनूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे और फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने पहले सोचा कि मैं उठते ही आपको दिखाऊं, लेकिन फिर क्या हुआ कि ना, मैंने कहा चल यार मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, एक ही बार फ्री होके तब आपसे बात करूंगी, तो मैं इसीलिए अब आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि यार मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना, होता है सब कुछ नहाना धोना, फिर मैंने वो करवे वरवे भरवाए। मैंने अपने सूट में रील्स बना लिया है, आपने देख भी लिया है। अब मैं करने जा रही हूँ इस सूट को चेंज, क्योंकि अब हो रहा है टाइम कथा का, कथा पढ़ने के बाद, क्योंकि मुझे जाना है पार्लर में और मैं हो रही हूँ लेट, तो इस वजह से अभी मैं सूट चेंज करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है? वेट। फाइनली गाइस, मैंने अपना सूट कर लिया है चेंज, और जो मेरा सेकंड सूट है वो ये वाला है। मुझे सिर्फ ये सूट पसंद आ रहा है दुपट्टे की वजह से, जो इसका कलरफुल जिगजैग दुपट्टा है ना, सिर्फ इसकी वजह से मुझे ये बहुत पसंद आया था, है ना? आप भी कमेंट करके बताना कि इसका दुपट्टा अच्छा है या नहीं है। और मेरा सूट भी अच्छा है, और ये थोड़ा वर्क वाला है, ये यहाँ से था ना, तो ये मैंने ऐसा लिया है। कलर भी मेरे पास नहीं था, मेरे पास ये कलर था ही नहीं, मतलब अभी तक जितने भी सूट थे मेरे पास इस कलर में कोई सूट नहीं था। और स्पेशली फिर से मुझे दुपट्टा बहुत पसंद आया है इसका, और इसीलिए मैंने ये सूट लिया है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मतलब रेडी मैं हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ कथा के लिए, क्योंकि फिर मुझे निकलना है तैयार होने के लिए, फिर मैं रात को ही आऊंगी, क्योंकि चांद की तो आज वेटिंग की कोई है ही नहीं कि मैं कितना लेट आऊँ, क्योंकि चांद तो वैसे खुद लेट आएंगे भैया, आज उनका दिन है। तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ कथा के लिए, फिर मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, वो तो मैं आपको दिखाती ही रहूंगी, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। एक चीज और दिखाती हूँ, वेट। और गाइज, ये मैंने सूट निकाले हैं, ये वाला मैंने अपनी दादी जी के लिए निकाला है, माँ जी के लिए, और ये वाला मैंने अपनी मम्मी के लिए निकाला है। तो मैं उनको अपने उस पर रखेंगे ना, ये किस पे रखते हैं जो भी है, मतलब मैं उनको ये दूंगी रात को, ठीक है ना? तो ये मेरा माँ जी के लिए, ये वाला मम्मी के लिए। तो अभी चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखा। तो गाइज, ये चल रही है कथा का टाइम हो गया इनका, आवाज आराम से आ रही है। जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। अच्छा, थी पर डालना है। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। थोड़ी सी पढ़ दो यार। एक एक सेंटेंस के बाद। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। सबके पतियों की रक्षा करना, मेरे पति की भी करना। सबके पति की करना माता, हो गई चल। अब मम्मी अब जाकर तो लगा दे करवा माता का। अब मम्मी माँ जी सुना देगी, माँ जी को याद है। दीयावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
यह देखकर रोने लगे तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस आंगन रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा के अर्थ देखकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और दृश्य जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। माँ जी सुना देती वैसी। यार मैं जो प्रॉपर हिंदी लिखी है उसने। चलो पढ़ दी। चलो अम्मी बात देखो, बात देखो, चलो बात होकर आऊंगी और नितेश अपनी कर रहे हैं तैयारी, वो मुझे लेने आ जाएंगे शाम को ना, रात को, मतलब जो भी टाइम हो जाएगा, 2-3 घंटे तो मैक्स लगी जाएंगे मुझे, तो फिर वो रात को मुझे पिक करने आ जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ कैब से, मैं और दीपू जा रहे हैं हम लोग, और रूबी दीदी भी वेट कर रही होगी क्योंकि आज उनके पास भी बहुत रश है ले में आए। उन्होंने बोला था मेरे लिए तो खैर टाइम निकाल ही लेंगी, क्या है जो भी है। तो चलो अभी मैं आगे मिल के दिखाती हूँ आपसे। और वी आर सेम बाय नो एंड गाइस यू नो व्हाट, शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, सो प्रिटी एज ऑलवेज। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ और लेट हो गया, काफी लेट हो गया है कि जल्दी आ गई ना? 7 बजने वाले हैं। लेट हो गया, देखो मेकअप पे टाइम लगेगा, मेकअप पे तो दीदी टाइम ही लगाती है। मेकअप तो तुरंत हो जाएगा अभी, फिर दीदी पहले करा लें मेरा हेयर डो, उसके बाद दीदी मेकअप करेंगी, फिर नहीं खोलूंगी वॉच आपको देख के। नितेश गुस्सा हो जाएगा। लेने आएंगे। चलो गाइस अब मैं पहले हम काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हेलो करो पहले गाइस, हेलो करो, आपका नाम, अपना नाम तो बताओ। रहमान। रहमान कितना सुंदर नाम है ना आपका, रहमान, नाम से स्माइल आ गई है फेस पे। और गाइस अब हो रहा है मेरा बर्न और मैं लगवाऊंगी अपना, जो मैंने अपनी शादी में बर्न लगवाया था ना ब्राइडल वाला, वो ये रहा, यही लगवाऊंगी मैं। देखते जाओ, मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ टाइम होने होने पर, आप बस कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड रहो मेरे साथ, है ना, अच्छे से बनाना कह रही हूँ गाइस। ये ना बहुत अच्छे भैया हैं, पूरे स्टाफ में फ्रैंक है और हंसी मजाक वाले बहुत है ना, है ना। यस यस, ये बहुत अच्छे हैं, नेचर ना बहुत स्वीट है और बहुत मजाक टाइप का, हंसी मजाक करते रहते हैं 24 घंटे, फनी, बिल्कुल फनी। तो अभी मेरा हो रहा है हेयर डो, पहले मैं करा लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी, ठीक है, होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। फाइनली मेरा हेयर डो हो चुका है, अब मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है और दीदी पहले मेरा मेकअप रिमूव कर रही है जो मैंने सुबह का किया हुआ है। तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी, आपको दीपू दिखाती रहेगी। गाइस मेरा मेकअप हो चुका है, बस लिपस्टिक बाकी है। अब कमेंट, ये देखो दीदी ने क्या किया हुआ मेरे साथ, नेक पे फाउंडेशन लगा ली थी तो ये क्या हुआ। तो गाइस अभी से मेरी लिपस्टिक बाकी है और ऑल ओवर मेकअप डन,
कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेकअप डन बाय रूबी शर्मा मेकओवर्स। दिखा दो सही दीदी को। भाभी रेडी हो चुकी है, बस लहंगा लहंगा रह गया। अब बस मेरा वो बाकी है, लहंगा पहनना वो बाकी है। इस कमेंट में बताना भाभी कैसी लगी। हाँ भंडारा हो रहा है। पता चल रहा है चलते चलते सलवार सलवार रह गई तो नीचे गिर गया। सो गाइस फाइनली मेरा दुपट्टा रात हो रहा है और मेरा बर्न हो गया। पीछे आके दिखा, मेरा बर्न फाइनल लुक में आ गया है। हाँ हाँ, और तो कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती हूँ। अच्छी अच्छी बात है ना। कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, ऐसे अच्छा तो खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड रहो ना। आपका तो मेरी आप तो वैसे आपको तारीफ की क्या जरूरत है। कैसा लग रहा आपको दोबारा ब्राइडल लुक पे आके? ऐसा तो नहीं, दोबारा मैं बहुत बार बन चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा काम ही रही है, मैं ब्राइडल ही बनती रहूँ। दीदी ये ना पीछे आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि झुक रहा है, मतलब ऐसे दबाव हो जा रहा है, बोझ जा रहा है पीछे। तो गाइस भाभी दोबारा शादी कर ली है। आ रहे हैं नितेश लेने, करा साथ में दीदी भी जाएगी। तेरे साथ भी दीदी भी जाएगी। हाँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने वाले के साथ जाऊंगी। चांद कब आएगा ये तो बता दो, टाइमिंग कुछ पता नहीं है चांद की तो। हर बार तो वैसे लेट ही आता है, बाकी आज का पता नहीं। आज दीदी को ऐसा लग रहा है कि जल्दी आएगा, दीदी को ऐसा लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? तो गाइस भाभी का शूट चालू हो गया, फोटो शूट। तो गाइस अभी भैया आए नहीं है और भाभी को वेट हो रहा है कब आएगी। आज तो हमारा दिन है, और रोज किसका होता है, हमारा तो यार आज स्पेशल है ना कुछ, और मेरे तो पोस्ट करना चाहता है भाई। तो गाइस इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड यहीं पे, और मेरे इस ब्लॉग के मेरे करवा चौथ लोग के दो पार्ट आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बनाया मैंने, बहुत बड़ा क्योंकि स्पेशल भी था, मेरा फर्स्ट करवा चौथ भी था तो स्पेशल तो होना चाहिए ना कुछ, तो इसीलिए मेरे इस करवा चौथ ब्लॉग के दो पार्ट आएंगे। तो फर्स्ट ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, और सेकंड पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो टू बी कंटिन्यूड, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।